समाजसेवी संस्था संत श्री त्रिवेणी गिरी पुनर्ज्योति आई हस्पताल दी पहली मंजिल दा निर्माण कार्य शुरू होया है। रखे समागम दे दौरान श्री रामायण जी दे पाठ दे भोग पाए गए। श्री निपिन बांसल ने मुख मेहमान दे वजो शिरकत की, जबकि रजिंदर जिंदल स्टेलको ते विजय कुमार ने विशेष मेहमान वजो शिरकत की। हस्पताल दी पहली मंजिल दा नींह पत्थर महंत राम नारायण गिरी जी महाराज दे वल्लों विधि पूर्वक रखा गया। संस्था दे प्रधान राकेश तायल ने दस्या कि दानी सज्जना दे सहयोग दे नाल चलाए जा रहे इस हस्पताल दे विच लोकां दी सहूलत दे लई हर बीमारी दा इलाज करन दी बिल्डिंग दा निर्माण कीता जा रहा है। इस मौके कुलभूषण गर्ग, डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, डॉक्टर जतेंद्र बंसल, डॉक्टर दीपक यादव, डॉक्टर गुरिंदर सिंह मान, डॉक्टर शिव शंकर ते उगे कांग्रेसी आगू राकेश सहारा, श्रोमणी अकाली दल दे आगू सतपाल गर्ग, सुरेंद्र चौड़ा, गुरतेज शर्मा विशेष तौर ते शामिल होए। अपना कहा करो, क्योंकि ये अपना साझा नहीं है, ना थोड़ा ना साझा है, ये अपना है। इस करके आप इसको सारे ने अपना समझ के, जिम्मे आप अपने घर कोई मिस्त्री लाने हैं, आप अपने घर काम करते हैं कोई, इसमें सारे जने आप अपना बना के इस इन्ना अगे लेके जाना है जिसे एक तो पहला कोई हस्पताल ना गया, क्योंकि अपने को बहुत योग पुरश ने, बहुत ही मदद करने वाले दानी भी ने, बहुत बड़े बड़े अपने मंडी के सेठ ने, क्योंकि साढ़े का सारे तुम सेठ हो। ये कोई जरूरी नहीं होंगे भी कोई ना का सेठ हो, कुदरती गल है। भगवान सेठ बना लगे पता नहीं किनू बना दे, जिम्मे कहते कोई ये जो कोई पुनदान का काम होंगे तो ना ना क्या करो। एक बुजुर्ग सी कोई, एक छोटा जहा बच्चा उसके नाल जाता सी मूहरे आ गए हलवाई की दुकान, उत्थे जाके वो बच्चे ने कुंदली जी बोली बोली भी मैंने दो टुक बर्फी से ले ले, तो उन्हें सोचा भी दो टुक बर्फी से लेते उत्थे तक जाते मुक जाएंगे, ये फिर मंगू मैं कितों लेके देऊंगा। उन्हें डब्बा ही लेता, मैं भी डब्बा ही लै लगे, वो खुश हो गया। तो गाह जाके वो कहता फिर हम मैं घर जाके खोलूँ, इतने नहीं खाँगा। डब्बा बच्चा घर ले आया, तो घर वे दिल देखते मारे ने दे बाबे ने ज पिता ने, वो बजुर्ग ने कहा पुत दो पीस मैनू दे दे, क्यों तो उन्हें पुतली जी बोली बोली तो दो पीस कहते हाथ से धरते वे, तो बजुर्ग का सारे दिन का थकेवा रह गया कि मेरे पोते ने मेरे कहे तो मेरे हाथ से मेरे पीस मंगे हुए धरते। हालांकि डब्बा उसने लेके दिता से, वह बजुर्ग पता फिर क्यों कहना, वो कहना जेड़ा तू अज मेरा मान रखिया है, मैं डब्बा तेन लेके दिता सी, मेरे दिते हैं डब्बे जो मैं तेरे दो पीस मंगे ने, मैं खुश हो के मैंने देते, इस बाद जो मंगेगा मैं तेन वही दे दूंगा, जो भी मंगेगा मैं वही दे दूंगा, मैं किसी गल को भी ना नहीं कहना, बड़ी तो बड़ी चीज मंगनी चाहिए। जे तू अजे दो डब्बे दो पीसा तो मैंने जवाब दे दिता, डब्बा चाहे नहीं लेके दिता सी, मुड़ के तेन लेके कुछ मैं भी नहीं दिता। मेरा कहने का भाव भगवान सानू बहुत कुछ दिता है, जो सानू दे के डब्बा दो पीस सो मंगता है आपके किसी लेखे लाने वास्ते, तो सानू खुश होकर दे देने चाहिए, सानू मत्थे वट नहीं पाना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए यह दो साल साढ़े का जी कोरोना खा गया, ये जी साढ़िया दुकाने नहीं चलिया जी, ये गाहक ही नहीं आए, तो ये गलत है जो कही थोड़े नालों ज्यादा असर साढ़े से पै गया, क्योंकि तुम डेरे ना मतलब गुरुद्वारे जाने भी हट गए, तीर्थ स्थान सारे बंद हो गए, भी उत्थे बाले लोग बाले भीड़ जितने बाले लोग जाते से उत्थे थोड़े भी जानों हट गए। इस असर इस गल का असर सारे ज्यादा साढ़े से बड़ा पाया, थोड़े ना असं भी थोड़े ना ही, क्यों तुम साढ़े को आओगे फिर ही साढ़े को दो रुपये मत्था टकई दे, कैसे हो फिर ही भंडारा करा, फिर ही थोड़ा लंगर छकावे। तो मेरा कहने का भाव भी ये जो स्थान है ये अपना सारा का एड्डा वड्डा स्थान है, ये इसनूं मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, मसीत कह लो, हॉस्पिटल कह लो, जो तुसीं जी करदा थोड़ा कह लो, पर साडा सब तो वड्डा तीर्थ धाम ये साडा त्रिवेणी धाम है, जिहड़ा कि इस जगह से महाराज जी ने चरण पाए, जिवें आपां मथुरा च जांदे हां अज कृष्ण भगवान उत्थे चले गए, असीं उत्थे जाके क्यों पूजदे हां, उस मिट्टी नूं क्यों पूजदे हां, इस करके पूजा के भगवान महाराज कृष्ण के उत्ते चरण पे पे उस मिट्टी नूं चरण रज प्राप्त है, असीं इस करके उस जगह नूं जाके पवित्र समझ के मिट्टी मत्थे नूं ला ला के चंदन समझ के असीं मत्था टेकदे हां, इस जगह नूं बनाउण वाले भी तुसीं हो,
ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 100 ਜਣੇ ਦੀ ਲਾਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਬੋਝ 100 ਸੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗੱਠਰ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਾਰ ਚੁੱਕਾ ਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ 100 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤਰ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸਾ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ 1 ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਹਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਲੇ ਲਿਆਂਦੇ 2, ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਿਆਤੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਤਾ ਵੀ ਜਾ 2 ਕੇਲੇ ਲਿਆ, 2 ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 1 ਕੇਲਾ, ਘਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 2 ਕੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਰੁਪਈਆ ਲਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਛਾਨੀ ਦਾ ਕੇਲਾ ਨੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਨੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ 2 ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੇਲਾ, ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਕੇਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਕੇਲੇ 2 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੇਲੇ 2 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ 2 ਅਕੇਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੂਹਰੇ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਲਾ ਦੂਜਾ ਕੇਲਾ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਜਸਵੀਰ ਔਲਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, NC7 ਨਿਊਜ਼।